बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मेहराज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया शुरू चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्नातक पास करने के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए। इस योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में की थी। योजना जब लाई गई थी तो उस वक्त 25,000 था। विधानसभा इलेक्शन 2020 जब हुई थी, सरकार के मैनिफेस्टो में था कि यदि हम जीत जाते हैं तो 25 के जगह पर 50 देंगे, सरकार बनी फिर नीतीश कुमार की, और इसलिए अब 25 के जगह 50,000 राशि दी जाती है। 21 से 24 के वो तमाम छात्र छात्राएं जो बिहार के किसी न किसी विद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, बहुत लोग हैं कि जिनका रिजल्ट आ गया है, किसी का जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिल गया है, किसी का है कि अभी एग्जाम होना बाकी है तो किसी का एग्जाम हो गया है। अलग अलग जो है कि इन सेशन में पढ़ने वाली छात्राएं बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग परिस्थिति में है। वीडियो तमाम स्टूडेंट जो मैंने इससे पहले वाली बनाई थी, बक्सर के कुछ कॉलेज से और मगध यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज से कमेंट्स आने लगे कि सर 21 से 24 के छात्राओं को पैसे कब से दिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है मैरिड अनमैरिड को लेकर के, तो आधार कार्ड पर तमाम छात्राएं आपके फादर का ही नाम होना चाहिए। रहा बात की ये सब प्रक्रिया 21 से 24 वाले का शुरू कब से होगा, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 2024 में तो नहीं हो पाएगा, 25 में यह पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीजें जो कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इन चीजों को फॉलो कीजिएगा। 21 से 24 की सिर्फ छात्राएं, छात्र नहीं लड़का को पैसा नहीं मिलता है। बक्सर में जो कॉलेज चलते हैं वो वीर कुंवरसी यूनिवर्सिटी जो आ रहा है, वहां से उन लोगों का एफिलिएशन है उन कॉलेज का। आप देख पा रहे इसमें यदि हम देखें तो स्नातक पास, बीएससी या बीए बीकॉम तीनों स्ट्रीम है। 21 से 24 के वे सभी छात्र हैं जिनके कॉलेज का नाम कन्या उत्थान योजना के पोर्टल पर है। अब कॉलेज का नाम आपको अपना किस तरीके से देखना है, मैंने इससे पहले वाली ये वीडियो में आपको बताई थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने कॉलेज का नाम चेक कर लिया होगा। सभी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को पैसे नहीं दिए जाते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास 100 कॉलेज है कि ज्यादा चांसेस है कि उसमें से 50 से 60 कॉलेज को ये पैसे दिए जाएंगे, तो आप लोगों ने जो है कि चेक कर लिया होगा। इससे पहले वाली वीडियो में कॉलेज लिस्ट ही चेक करना आपको बताया था, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि पास करने वाली छात्राएं तो सब है, लेकिन जिनके कॉलेज का नाम कन्या उत्थान योजना जो पोर्टल है उनके वेबसाइट पर है, देख पा रहे। प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। ये चार डॉक्यूमेंट जिसमें से आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का ओरिजिनल मार्कशीट, जो कि उसका जो है कि आपको जीरोक्स कॉपी जमा करना पड़ता है अपने संबंधित कॉलेज में, इंटरनेट वाला जो ऑनलाइन आती है रिजल्ट उससे काम नहीं चलेगा। तमाम स्टूडेंट ओरिजिनल का ही फोटो कॉपी संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन होता है, यूनिवर्सिटी से आदेश वगैरह आती है तो आपको जमा करना पड़ता है। एक है आवासीय सर्टिफिकेट, बिहार की निवासी होनी चाहिए, आपको प्रूफ के तौर पर आवासीय सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और ये आधार कार्ड का बड़ी लोचा होता है। आधार कार्ड पर यदि कोई छात्रा इस लाभ को लेने से पहले उनकी शादी हो जाती है तो आधार कार्ड पर उनके ससुराल का एड्रेस और उनके हस्बैंड का नाम आ जाता है, इस परिस्थिति में उनके आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रहे, यदि आप इस सेशन की छात्रा है और आपके कॉलेज का नाम जो है कि कन्या उत्थान योजना के पोर्टल जो है उस पर लिस्टेड है आपके कॉलेज का नाम, तो आप जो है कि तब तक के अपने हस्बैंड का नाम आधार कार्ड पर अपडेट न करवाए जब तक कि ये पैसे न मिल जाते हो। यदि आपने अपडेट आप करवा लेते हैं तो आवेदन 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एकदम से फादर ने मिसमैच बता करके आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है कि फादर नेम ही रहने दीजिएगा, सुधार बाद में करवा लीजिएगा जब पैसा मिल जाएगा तब। और बैंक पासबुक, अभ्यर्थी का खुद का अकाउंट होना चाहिए और बैंक पासबुक पर जो नाम है वो आधार कार्ड पर जो नाम है वो अभ्यर्थी का, आवासीय सर्टिफिकेट पर नाम जो है वो, और पार्ट 3 के मार्कशीट पर जो अभ्यर्थी का नाम है, अभ्यर्थी का एकदम स्पेलिंग एकदम 100% सही और सटीक होनी चाहिए, अदरवाइज जो कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन चीजों का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। नीचे देखिए कि निम्नलिखित डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी जो है वो तैयार रखे। उच्च शिक्षा निदेशालय से आदेश मिलने के बाद कॉलेज में उपर्युक्त डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जाएगा। तो ये चार डॉक्यूमेंट और जो मैंने चीजें आपको बताई है उन सभी को ध्यान में रखिएगा, ये सब तैयार रखिएगा। हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक कहीं डॉक्यूमेंट आप लोगों को जमा करने के लिए कहा जाए, या अगले साल
95% चांस है कि 2025 में ही आप लोगों के लिए आवेदन की प्रक्रिया वगैरह शुरू होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने की, क्योंकि 24 में हाल ही में जुलाई के महीने में जो आवेदन जमा हुए हैं वह अभी ऑफलाइन ही यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, वेबसाइट ओपन न हो पाने के कारण। अभी तक के 19 से 22, 20 से 23 और 18 से 21 में जो छात्राएं पास है, जो आवेदन जमा किए हैं, उनका नाम अभी लिस्ट में नहीं अपडेट हुआ है, नहीं चढ़ा है। तो आपसे जो सीनियर है उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट जमा किया, उनका काम अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो उनका काम जब हो जाएगा तब ये आपका काम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2025 जो है कि ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों का सारा काम इस योजना वाला 25 में ही होगा। बाकी आप लोग चांस अपडेट रहिएगा, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा पास की है और इस योजना का लाभ लेना है तो कब मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, सारी चीजें हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बस आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।